अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारा, और पिछली वीडियो के अंदर हमने लेंसेज के टॉपिक को ख़त्म किया था, और आज हमारे पास छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं जो कि थिन लेंस फार्मूला है और साथ ही साथ हमारे पास मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन है। और ये दो टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 14 का एक पार्ट है, पहला पार्ट जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस करता है, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने सारी की सारी कवर कर ली, ये दो आखिरी हैं। फिर अगली वीडियो से हमारे पास नया पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इसी चैप्टर का, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए हुए हैं, बुक के अंदर मौजूद हैं, जैसे कैमरा हो गया, ह्यूमन आई है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, और कुछ डिफेक्ट्स हैं जो इसी पार्ट के अंदर जो आते हैं। तो इनमें से कितने कवर करने एग्जाम से पहले, ये फिर हम अगली वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो थिन लेंस फार्मूला है और लीनियर मैग्नीफिकेशन है। और यहाँ पे मज़े की बात ये कि ये जो थिन लेंस फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन मौजूद नहीं है बुक के अंदर, सिर्फ फार्मूला हमें दिया हुआ है, और वो फार्मूला कौन सा है, 1/f = 1/p + 1/q। और ये वाला फार्मूला जो है वो हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। यही फार्मूला लेंसेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये कौन सा फार्मूला है, मिरर फार्मूला, जो कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो है वो डिराइव किया था, काफ़ी डिटेल के अंदर इसे डिस्कस भी किया था। तो थिन लेंस फार्मूले के अंदर, यानी कि लेंसेज के लिए भी जो फार्मूला यूज़ होता है चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंसेज को कैलकुलेट करने के लिए, वो यही वाला फार्मूला होता है, और इसकी डेरिवेशन बुक के अंदर दी भी नहीं है। तो हम भी डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका फार्मूला लिख के और बकाया जो उन्होंने साइन कन्वेंशन वगैरह या फिर जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से दी हुई है उसे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है या फिर ये वाला जो टॉपिक है, ये भी हमने पिछले चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे भी इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन, इसके फार्मूले सारे के सारे वही हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें पिछले चैप्टर के अंदर हमने मिरर्स के लिए इस्तेमाल की थी, और यहाँ पे जो है वो इन्हें हम लोग लेंसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थिन लेंस फार्मूले से, और जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर दी हुई है अब वो सारी की सारी यहाँ पे लिख के इसको समझ लेते हैं जी। तो ये हमारे पास थिन लेंस फार्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है, और इसकी मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज बाई लेंसेज कैन बी कैलकुलेटेड बाई दिस फार्मूला। नेचर और साथ ही साथ आपके पास जो पोजिशन होती है, नेचर क्या कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी नेचर क्या है, वो वर्चुअल इमेज है या फिर रियल इमेज है, और पोजिशन का मतलब क्या कि कितनी पोजिशन के ऊपर, यानी कि लेंस से कितनी दूरी के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो इमेज फॉर्म हुई है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी फार्मूले को थिन लेंस फार्मूला कहा जाता है। अब इसके अंदर एफ, पी और क्यू क्या है, उसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले पी हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, क्यू हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होता है, और एफ आपके पास फोकल लेंथ होती है। और ये तीनों की तीनों चीज़ें हमने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस की हुई हैं, लेकिन वो बेसिकली मिरर के लिए थी। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को इस डायग्राम के ज़रिए से हम लोग लेंस के लिए भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंसीडर करो कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और इससे यहाँ पे जो है हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ यहाँ पे फॉर्म हो रही है, और ये कैसे फॉर्म करवाई है हमने, वही दो रूल्स को इस्तेमाल करते हुए, रेज के जो दो रूल्स पढ़े थे हमने उन्हें इस्तेमाल करते हुए, कि अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी। और फिर जो दूसरा रूल है वो आपके पास ये वाला है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो स्ट्रेट एज इट इज़ जो है वो मूव कर जाएगी या फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ये दोनों की दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। तो अब यहाँ पे पी, क्यू और एफ को अगर देखें हम, तो ऑब्जेक्ट से लेकर आपके पास ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग पी बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसी तरह फिर आपके पास फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, इसे हम
एफ से डिनोट करते हैं, या फिर इसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस की। इसी तरह फिर आपके पास जो ऑप्टिकल सेंटर से ही इमेज तक का जो डिस्टेंस है, इमेज तक का जो डिस्टेंस है, इसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर ये जो होता है आपके पास इमेज डिस्टेंस कहलाता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इमेज का डिस्टेंस जो है वो बता सकते हैं। अगर आपको पी की वैल्यू पता हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो पता हो, और फोकल लेंथ पता हो इस कॉन्वेक्स लेंस की। और यही फार्मूला बेसिकली कॉनकेव लेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ साइन कन्वेंशन हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली क्या कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, कि तमाम के तमाम जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, चाहे वो फोकल लेंथ का हो, चाहे पी हो, चाहे क्यू हो, आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे इस कॉन्वेक्स लेंस के, या फिर कॉनकेव लेंस हो आपके पास तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करोगे ये तमाम के तमाम डिस्टेंसेज। फिर आपके पास दूसरा जो है वो पॉइंट क्या है साइन कन्वेंशन के अंदर, कि डिस्टेंसेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड रियल पॉइंट्स आर पॉजिटिव, वाइल डिस्टेंसेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड वर्चुअल पॉइंट्स आर नेगेटिव। वही वाला कॉन्सेप्ट कि जितनी भी रियल चीज़ें आपके पास उनकी वैल्यूज आप पॉजिटिव के अंदर लोगे, और जितनी भी वर्चुअल चीज़ें उनकी वैल्यूज आप नेगेटिव के अंदर लोगे। रियल पॉइंट्स का मतलब क्या कि जहाँ पे रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो, जैसे यहाँ पे ये रियल रेज हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसका जो आप डिस्टेंस लोगे, यानी कि ये जो क्यू लोगे, ये आप पॉजिटिव के अंदर लोगे। और अगर आपके पास वर्चुअल वाला केस आए कि जिसके अंदर रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट ना हो रही हूँ, बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करना पड़े आपको उन्हें इंटरसेक्ट करवाने के लिए, यानी कि वो वर्चुअल पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट हों, तो उस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस आप लोगे, यानी कि वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस लोगे किसी भी लेंस से, वो आप नेगेटिव के अंदर लोगे। और सिंपली अगर इसे याद रखें तो वर्चुअल इमेज जो होगी वो आपके पास नेगेटिव के अंदर आएगी, और जो रियल इमेज होगी उसका डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव के अंदर आएगा। इसी तरह फिर सबसे आखिरी जो हमारे पास चीज़ है साइन कन्वेंशन के अंदर, वो क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी आपके पास वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर होगी उसकी वैल्यू, वाइल ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, जबकि जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो आपके पास नेगेटिव के अंदर होगी। तो बस ये चीज़ें थी, ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास थिन लेंस फार्मूले के हवाले से बुक के अंदर। और फिर जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि मैग्नीफिकेशन का है, या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन का है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके फार्मूले वगैरह और उसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, क्योंकि सेम वही है जो हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ी थी, कि द चेंज इन साइज ऑफ एन इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, कि रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज आपके पास फॉर्म हो रही है उसके साइज के अंदर कितना चेंज आया है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कहलाती है। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी सेम वही वाले हैं। द लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर लेंसेज इज डिटरमिन बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज, तो मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक ये वाला फार्मूला है और एक जो है वो आपके पास ये वाला फार्मूला है। और एक और डेफिनेशन भी इसकी हमने डिस्कस की थी पिछले चैप्टर के अंदर, जो कि क्या थी कि मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू बेसिकली हमें बता क्या रही होती है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितने टाइम्स बड़ी हुई है, या फिर कितने टाइम्स जो है वो छोटी हुई है। और इसके लिए हमने तीन चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्कस की थी, कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ बराबर है, दोनों सेम साइज़ की हैं। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बड़ी आ रही है 1 से, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो इमेज फॉर्म हुई है बेसिकली उसका साइज़ बड़ा है, यानी कि वो लार्ज है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज़ बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास छोटी आ रही है 1 से, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है, और जो इमेज फॉर्म हुई है वो आपके पास छोटी है, इमेज छोटी फॉर्म हुई है। और ये वाला केस हमारे पास कौन से लेंस के अंदर हमने देखा कि जिसके अंदर इमेज जो है वो छोटी फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, कॉनकेव लेंस के अंदर। ये वाला जो केस होगा वो आपके पास हमेशा कॉनकेव लेंस के अंदर होगा, यानी कि कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा आपके पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो इमेज फॉर्म होती है वो छोटी होती है,
और अगर आपके पास न्यूमिरेटर वाली वैल्यू छोटी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो साइज ऑफ इमेज है वो न्यूमिरेटर के अंदर आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू छोटी हो जाए और आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए तो क्या होता है हमेशा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो जाए और ऊपर जो वैल्यू आपके पास छोटी आ रही हो इससे, तो क्या होता है कि आपके पास वैल्यू हमेशा हमेशा वन से छोटी जाती है। ऊपर वन नीचे टू, और वन बाई टू का क्या मतलब होता है 0.5, जो कि वन से छोटी वैल्यू है। इसी तरह अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन है तो इसका मतलब कि ये दोनों बराबर होंगे, ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली वैल्यू भी। कैसे कि टू बाई टू दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो इसका आंसर हमेशा आपके पास वन आएगा। और वन से बड़ा आंसर कब जाता है, या फिर आपके पास अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से बड़ी चली गई तो इसका क्या मतलब होगा कि इमेज जो बनी है वो बड़ी है। वन से बड़ा रेशो आपके पास तभी जाता है कि जब आपके पास न्यूमिरेटर की वैल्यू बड़ी हो, जैसे फोर और अपॉन में टू, नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी है, जब आप इसको काटोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा हमेशा वन से बड़ा जाएगा। तो ये जो टू आ रहा है आपके पास, इसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो इमेज बनी है वो दो गुना या फिर दो टाइम्स जो है वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन थी, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे सिर्फ जो हमने रिवाइज़ किया है। तो इसी के साथ साथ जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन था इस चैप्टर का, वो ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो से हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।